जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाजर तुहाडे लई अपनी अज दी क्लास लैके प्रैक्टिस सीरीज आपां स्टार्ट कीती होई है मैथेमैटिक्स की। ठीक है जी, तो जिहड़ी अपनी देखो 10 बजे सवेरे मैथ की क्लास होंदी है, उस दे विच तां आपां सिलेबस नूं कवर करिया करांगे, तो उस तों बाद एक एक्सट्रा क्लास के रूप दे विच आपां ने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कीती होई है। इसका अजे अपना कोई टाइम तो फिक्स नहीं हैगा प्रैक्टिस सीरीज़ का। ठीक है, वैसे तो हमें डेली आप प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास दिया करांगे मैथेमैटिक्स की। ठीक है, एक दो दिनों के अपने रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेनी है, तो 8:30 बजे उही अपनी रीजनिंग की डेली वाली क्लास होया करेगी, उस सिलेबस को कवर करांगे। तो जिहड़ी आप एक्सट्रा क्लास के वजो प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करांगे रीजनिंग की, वो तुहाडी अलग होया करेगी। इन्हां दा दोनों का मैथ ते रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज़ का अजे अपना टाइम फिक्स नहीं है, एक दो दिनों के अपने टाइम भी फिक्स कर देना है, तो नाल ही रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज़ भी आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते अपने चैनल के उत्ते मिशन पंजाब पुलिस 2021 स्टार्ट किया होगा, उस दे विच आपां तुहानूं पंजाब पुलिस के सिलेबस की तैयारी करवा रहे हैं। सारा सिलेबस आपने कवर करना है, जिहड़े सबजैक्ट आपने स्टार्ट किए हुए हैं, तो जेकर तुहाडे दोस्त पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे नाल अपने चैनल नूं अपनी वीडियो नूं जरूर शेयर करना है। तो नाल ही जेकर तुसीं पहली बार इस वीडियो के जरिए अपने चैनल दे नाल जुड़ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाके तुसीं पिछलियां सारियां क्लासां जिहड़ियां कि सिलेबस दियां होईयां ने देख सकते हो, तो इस तो पिछली प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास में भी देख सकते हो। तो नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब कर लेने का, क्योंकि इस तरह दी वीडियोज़ तुहानूं अपने चैनल के उत्ते देखने लई मिलदियां रहणगियां। तो नाल ही तुहानूं PDF जिहड़ी अपनी इस क्लास की होएगी अपने टैलीग्राम चैनल के उत्ते इसकी PDF मिल जाएगी। पहला तुसीं ने यह सारी क्लास देख लेनी है कि उस दे विच सोल्यूशन देख लेने कि किस तरह अपने सवालों को सॉल्व किया है, उस तो बाद तुहानूं जिहड़ी PDF मिलेगी उस PDF नूं तुसीं ने अपने आप सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो बाद दे विच दोबारा क्लास देख के तुसीं आंसर भी क्लास दे विच मिला सकते हो। ठीक है, सिंपलीफिकेशन देखो अपने स्टार्ट की है प्रैक्टिस सीरीज़ के वजों, इसका वैसे अपना थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपलीफिकेशन का प्रैक्टिस सीरीज़ दूजा दिन है, इस तो पहले एक दिन की अपनी क्लास हो चुकी है प्रैक्टिस सीरीज़, डेली अपनी क्लास होया करेगी। सिंपलीफिकेशन सॉल्व करना देखो आ वाला फार्मूला दस्या तो थ्योरी के भी दस्या, तो जी सिंपलीफिकेशन की अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ वाली पहला क्लास हुई है उस दे विच भी तुहानू दस दिता सीगा। ठीक है, वी का मतलब हुंदा है कि सब तो पहला तुसीने वार नू सॉल्व करना है, किसी अक्षर के उत्ते जी वार लगी होएगी, उस तो बाद बी ब्रैकेट सब तो पहला आ वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आह ते आह तीनों ब्रैकेट नू सीकुएंस वाइज सॉल्व करना है, उस तो बाद ऑफ ब्रैकेट के नाल जाता कुछ लग्या होएगा, जिमें कि ब्रैकेट के विच कोई संख्या होएगी उस दे नाल 2-3 जां कुछ भी लग्या होया गुणा के विच मन के आपां उस नू सॉल्व करांगे, ते जां फिर ऑफ लिखा होएगा उस दे नाल, उस तो बाद डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना ते सबट्रैक्शन करना है। ठीक है, इस तो बाद इस तरह आप इस सीकुएंस के सॉल्व करांगे, आपने जिहड़ी स्टेटमेंट आपां दित्ती होया करेगी उस दे विच इस हिसाब दे नाल आपां ने सॉल्व करते जाने का। ठीक है जी, तो देखो वधदे आपणे पहले सवाल के वल, पहला सवाल आपां देखो जोड़ घटा गुणा भाग दा दित्ता होया, उस दे विच दित्ते होए ने ब्रैकेट। ठीक है, सब तो पहला देखो आपां ब्रैकेट सॉल्व करांगे ऑफ वगैरह, ठीक है उस दे विच उस तो बाद दी गल होएगी। ठीक है, पहली गल आपां बार देखते हुंने, बार इस दे विच है नहीं, उस तो बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हुंने, देखो छोटा ब्रैकेट गोल ब्रैकेट हुंदा जिहड़ा सब तो पहला ए दित्ता पिया, उस तो बाद देखो इत्थों लैके करल ब्रैकेट दिता होया, उस तो बाद देखो स्केयर वाला ब्रैकेट मतलब कि सारे तो वड्डा ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट दिते हुए ने, इन्हां नूं आपां लाइन वाइज सॉल्व करते जावेंगे। सब तो पहला इस नूं सॉल्व करांगे, देखो 5 ते 3 हुंदा हैगा अपना 8, ठीक है इस सारे नूं सॉल्व करके अपना इत्थे आ गया 8। 8 दे विच देखो ब्रैकेट दे अगे 2 दिता होएगा, इहदा मतलब हुंदा 2 हैगा जिहड़ा ऑफ दे विच हैगा। ठीक है, ऑफ का मतलब कि आप इसकी गुणा कर देंगे 8 की 2 नाल, 8 × 2 = 16, देखो इतों तक आ वाला सारा सॉल्व करके अपने को 16 आ चुका है, ये सारा सॉल्व करके अपने को 16 आ चुका है, उस तो अगे है +6 + 2, देखो इतों आ करल ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो उस तो बाद प्लस पा के 2 है करल ब्रैकेट। हुण आपां आ ब्रैकेट सॉल्व करांगे, देखो आ वाला जिहड़ा गोल ब्रैकेट सीगा अपना सॉल्व हो चुका है, उस तो बाद अपने ऑफ नूं भी सॉल्व कर लिया सीगा। ठीक है, हुण इहनां दा आपां करांगे जोड़, 2 ते 2 = 4 ते 16 20 हो गया, 20 ते 6 = 26, अपना जिहड़ा सारा ब्रैकेट सीगा करल वाला इसनों सॉल्व करके अपने को 26 आ चुका है, देखो। ठीक है, इसनों सॉल्व करके अपने को आ वाला सारा सॉल्व करके इतों तक का अपने को 26 आ चुका है, उस तो बाद 26 करल ब्रैकेट के होएगा, देखो इसते अगे घटा की निशानी हैगी नाल 4 है अपने को। ठीक है, फिर इसनों स्केयर ब्रैकेट के घटा 5 है, इसके अगे इस तरह अपने देखो एक बार इसनों उतार लिया। ठीक है, स्केयर ब्रैकेट के
तो इसको किस तरह लिखेंगे, पंज कटा स्केयर ब्रैकेट के चार कटा छब्बी लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ लिख ली छब्बी बड़ा है, बड़े अगे कटा की निशानी लगी हुई है, या तो तुम इस तरह सोल्व कर लो अपने को कटा का बाई आ जाएगा, कटा का बाई स्केयर ब्रैकेट के होएगा, इस तो अगे कटा का पंज हैगा, ठीक है। इस कटा की जो अंदर गुणा की अपने एक तरह कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जड़ा कटा कटा दोनों हो गए जोड़ अपने को, बाई जोड़ पंज हो जाएगा, ज पंज जोड़ बाई कह सकते हैं, बाई तो पंज अपने को इसका सताई आंसर आ चुकेगा। तो फिर तुम इतों देखो इस स्टैप के एक स्टैप पिछे जा सकते हैं अपना इसते इतें, ठीक है। तो आ वाली जी देखो अपन कटा की निशानी दी हुई है, आ बार वाली एक कटा की निशानी की बन जाएगी जोड़ की निशानी, इस दे अगे कटा लग जाएगा चार दे, जड़ा छब्बी दे अगे कटा की निशानी सी इसका बन जाएगा जोड़, ठीक है। छब्बी दे विच्चों जेकर वही गल पहला वांगू आपां छब्बी दे विच्चों चार कटाना पएगा, देखो छब्बी चार दे अगे कटाएगा, कटा लिख के इत्थे अपना बाई आ जाएगा, ठीक है, बाई अपना आ जाएगा ब्रैकेट दे विच्च बाई, तो नाल पंज दा आपां पंज नूं इसे तरह उतार लेंगे। देखो ये हैगा जिहड़ा इस ब्रैकेट दे विच्च है, ब्रैकेट दे विच्चों एक तरह अपने कढ लिया बाहर बाई तो पंज विचाले जोड़ दी निशानी है, बाई तो पंज अपना इसका सताई आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बाई तो पंज सताई देखो आंसर आ गया, किहड़ी ऑप्शन दे विच्च, ए ऑप्शन दे विच्च आपां नूं दित्ता पिआ है, ए वाला इसका आंसर होएगा। तो इस तो बाद अगले प्रश्न के वल वधदे आ, सब तो पहला आपां देखते हुंदे आ कि बार वाला ना कोई होवे, बार तो बाद आपां ब्रैकेट दे वल निगाह मारांगे, ब्रैकेट नूं देखो आपां इस नूं सारे नूं सोल्व कर लांगे। ए ब्रैकेट दित्ता होएगा दस बटा पंद्रह, जोड़ पा के ग्यारह बटा पंद्रह दिता होएगा। देखो सब तो पहला तुहानूं दस्सिया सीगा कि जेकर हर सेम होवे, नीचे वाला डिनोमीनेटर सेम होवे, तां आपां उस नूं उसे तरह लिख लैने हुंदे आ, पंद्रह का इन्हां दोनों के पंद्रह का पंद्रह आपां ने लिख लिया, बटा पा के देखो इन्हां दे विचाले जोड़ की निशानी आपां नूं देखो इत्थे नज़र आ रही हैगी, इत्थे दस हैगा इत्थे ग्यारह हैगा, दस ते ग्यारह का जदों आपां कर देंगे जोड़ तां आपणे कोल इक्की आ जाएगा, इक्की वटा पंद्रह, इस सारे नूं इन्ने सारे नूं सोल्व करके इक्की वटा पंद्रह अपना आ चुकेगा, ठीक है। तो फिर आपां इसकी जगह पर इक्की वटा पंद्रह लिख सकते हैं, इक्की वटा पंद्रह आपां ने आ वाला लिख लिया। देखो ब्रैकेट दे विच हैगा, ब्रैकेट आपां ने उस तरह जिवें कि दिता होया सीगा लिख लिया। देखो उस तो बाद ब्रैकेट दे नाल पंज वटा सत्त, आ वाला पंज वटा सत्त आपां ने लिख लिया, ठीक है। बटे दे विच इक तरह सही नहीं दिखा रहा इत्थे टाइपिंग दे विच, इस तो पंज बटा सत्त तो अगे जोड़ दी निशानी है, तो आ वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है आपां एक बार नहीं लिख रहे इसको, ठीक है, जो आपां ने सोल्व करनी होई उस टाइम लिख लेंगे। आपां इस बार लाइन लगा के एक तरह साथ दिता है इसको, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के वास्ते ऑफ दस्या सीगा तुहानू, जिहड़ा होवे ब्रैकेट इहदा मतलब हुंदा हैगा ऑफ, ठीक है, ऑफ मतलब कि गुणा की निशानी हैगी इह, ठीक है। पंज वटा सत्त गुणा इक्की वटा पंद्रह, इन्हों आप कट सकते हैं, सत्त एकम सत्त, सत्त तीया इक्की हुंदा हैगा, तो नीचे इन्हों कट देंगे पंज एकम पंज, पंज तीया पंद्रह हुंदा है, मतलब कि अपने को देखो आ सारे कट के इन्ना सीगा जिहड़ा, इसनों सारे कट के अपने को तीन वटा तीन आ गया, तीन वटा तीन का मतलब कट के अपना एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा पंज वटा सत्त दिता सीगा उसने दूजे नूं भी कटवाता, जिहड़ा अपना पहला इक्की वटा पंद्रह आया होया सीगा, जिहड़ा ए वाला सीगा सारा इसनों सारे सोल्व करके अपने को एक आ चुकेगा। देखो इतों तक पहला आपां कहिंदे सीगे इतों तक सोल्व हो गया, उस तो बाद एक वटा पंज वटा सत्त आपां ने विचर ला लिया सीगा, इसनों सारे सोल्व करके अपने को एक आ चुकेगा, ठीक है। एक तो बाद देखो पंज वटा सत्त तक ये अपना सोल्व हो चुकेगा, इस दे अगे जोड़ की निशानी सी आ जोड़ की निशानी आपां ने इसे तरह लिख ली। उस तो बाद अपने को छे वटा सत्त, छे वटा सत्त, छे वटा सत्त दे अगे आ वाली गुणा की निशानी आपां ने इसे तरह लिख ली। तो जिहड़ा आ वाला हैगा अपने कोल इसनों आपां एक बार इधर लिया के सोल्व कर लैंदे हांगे, देखो अपने कोल हैगा पंज एक वटा चार, पंज वटा पंज एक वटा चार, आ देखो उपर वाला, ठीक है। इसनों आपां किवें सोल्व करदे हुंदे आ, पंज दी चार ते पंज दी कर दिंदे हुंदे आ गुणा, पंज चौका भी ते आ वाला एक उपरला जोड़ दिंदे हुंदे आ, ठीक है, भी ते एक इक्की बन गया, तो नीचे आ जिहड़ा चार सीगा इसनों इसे तरह लिख लैंदे हुंदे आ आपां, ठीक है। अपने कोल बन गया इक्की वटा चार, इक्की वटा चार अपने कोल आ वाला बन के आ गया, ठीक है, जिहड़ा अपने कोल पंज एक वटा चार सीगा अपने कोल इक्की वटा चार इत्थे आ गया इक्की वटा चार, ठीक है। उस तो बाद देखो इस दे बटे दे विच होएगा इत्थे इस दे नीचे आएगा जदों इसनों सोल्व करांगे, तीन
2/5 3 2/5 इस सॉल्व करने के वास्ते इन्हां दी कर दिंदे होंगे गुणा 5 3 15 2 17 उपर आ जाएगा 17/5 जिहड़ा नीचे हुंदा हैगा उसनूं आपां बटे दे विच लगा दिंदे होंगे 17/5 अपना यह बन के आ जाएगा 17/5 17/5 इत्थे आपां लिख देंगे। एक बार जिहड़ा आ वाला सीगा देखो इत्थे दिखाई नहीं दे रहा तां करके इसनूं आपां इधर लिख लैंदे हैगे एक बार 21/4 17/5 21/4 17/5 21/4 17/5 ठीक है। गुणा दे विच 6/7 सीगा ठीक है, जोड़ 1 सीगा, इस सारे नूं सॉल्व करके अपने कोल 1 आ गया सीगा ठीक है। ए वाली अपनी स्टेटमेंट बन चुकी है। देखो हुण तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा अपने कोल हुंदा हैगा इत्थे बटा आ वाला इहदा मतलब हुंदा हैगा भाग, जिवें कि देखो 21/4 हैगा अपने कोल 21/4 आपां ने आ वाला सारा लिख लिया 21/4 तो बाद जिहड़ा आ वाला बटा हैगा अपने कोल आ वाला इसका मतलब हुंदा भाग, भाग की निशानी लिख ली तो उस तो बाद हुंदा हैगा अपने कोल 17/5 अपने 17/5 हैगा अपने कोल 17/5 आपां ने इसे तरह लिख लिया। उस तो बाद की कीता गुणा 6/7 जोड़ 1 आ 6/7 ते 1 आ सारा कुछ आपां ने इस दे विच लिख लिया तां आपां नूं देखो इस दी तां जरूरत ना रही हुण। देखो इस नूं सारे नूं आपां कर दिंदे हांगे साफ तां देखो इत्थों तक अपना ये सॉल्वेशन हो चुकी हैगी। देखो ये स्टेटमेंट अपनी बन गई तो इत्थे अगे देखो भाग की निशानी नज़र आ रही हैगी आपां नूं। सब तो पहला आपां भाग करदे हुंदे हां, जेकर आपां देखो इस दा भाग दा मतलब ना समझदे कि इहदा मतलब भाग हुंदा है तां आपां ने गुणा कर देनी सीगी ठीक है। आपां नूं पता लग्गिया कि इत्थे भाग हुंदा, चलो ठीक है तां आपां इस नूं वैसे भी कर सकदे हां। देखो तां सब तो पहला देखो आपां इस नूं किवें करांगे सॉल्व, तुहानूं दस्सिया सीगा जेकर भाग की निशानी होवे तां आपां गुणा की निशानी बना दिंदे हुंदे उस दी ठीक है। भाग की निशानी सीगी इत्थे, इहदी आपां ने आह वाली गुणा की निशानी बनाती। गुणा की निशानी बनाउण दे वास्ते शर्त एक सीगी कि जिहड़ी आह वाली हैगी इसनूं पलटा देना हुंदा 17/5 है तां 5/17 आपां इसदा बना देंगे गुणा। सारी स्टेटमेंट जिहड़ी बाकी दी हैगी उसनूं उस तरह लिख लेना है आपां ने ठीक है। इस तरह आपां ने इसनूं लिख लिया। उस तों बाद तुहानूं दस्सिया सीगा कि इसनूं आपां ने करना हुंदा सॉल्व, अपने कोल गुणा ही गुणा नज़र आ रही है। उस तों बाद आपां कर देंगे इसका जोड़ ठीक है, गुणा ही गुणा जिहड़ी नज़र आ रही हैगी आपां गुणा करो पहलां फिर आपां करांगे जोड़। गुणा करन दे वास्ते देखो आपां इन्हां नूं पहलां तां कट्टांगे, आपां कलर कर लैने हैगे चेंज। इस दा 7 1 7 7 3 21 ठीक है, 4 दा अध करता 2 आपां ने ते 6 दा अध करता आपां ने 3। उस तों बाद देखो अपने कोल जे तां इह कट रही है तां इस नूं कट देंगे ते नहीं फिर आपां इसे तरह लिख लांगे इस नूं। देखो होर तां नहीं कट रही तां इन्हां नूं आपां किस तरह देखो लिख सकदे हां, कट के आपां ज़्यादा दूर तक ना लिखिए, इत्थे कट के अपने कोल 3 आ गया सीगा, इस नूं कट के 3, इस नूं कट के अपने कोल 2 आ गया सीगा ठीक है। उस तों बाद देखो आपां ने किस तरह इस नूं लिखेगा, उपर बच गया सीगा 3 × 5 आ वाला 5 आ 3 फिर आ वाला 5 फिर आ वाला 3 × 3 ठीक है। बटे दे विच की बचा सीगा नीचे, बटे दे विच देखो एक तो आ बच गया 2 ते एक आ बच गया 17, मतलब कि 2 × 17 नीचे बच चुका है अपने कोल। तां देखो एक बार कर दिंदे हांगे इसनूं साफ, जिहड़े फालतू दे विच दिक्कत लगा रहे सीगे आह वाले देखो आपां ने इत्थों तक सारे कट के लिख ले, अपने कोल की बच गया प्लस दा 1 बच गया पिछे, इस नूं भी आपां इत्थे लिख देंगे प्लस दा 1 ते उस तों बाद इस नूं भी कर देंगे इत्थों साफ। देखो अपने कोल आह वाली स्टेटमेंट इत्थे बन के आ चुकी हैगी ठीक है। इस तों बाद आपां इस नूं सॉल्व करांगे, इन्हां दी गुणा कर लांगे आपस दे विच। गुणा करन दे वास्ते 3 ते 3 दी गुणा कीती 9 9 × 5 उपर बन गया अपने कोल 45 ते नीचे बन गया 17 × 34 नीचे अपने कोल 34 ते प्लस दे विच हैगा 1। हुण देखो जोड़ करना तुहानूं दस ही दित्ता सीगा सिंपल हुंदा है, सिंपल आपां इसदा जोड़ कर सकते हैं। जोड़ करन दे वास्ते इस दे नीचे लगा लो 1 45 1 45 45 1 45 जोड़ दे विच 34 दी 1 नाल 34 1 34 तां नीचे अपना 34 दी फिर 1 नाल गुणा हो जाएगी, नीचे 34 अपना आ जाएगा
उस तो बाद इन्हों का करना है जोड़ जोड़ करके देखते हैं अपना जे तो आंसर आ गया तो ठीक है नहीं उस तो बाद उसकी फिर भाग कर लेंगे उसको होर आप छोटे भागों के वंटते जावे तो देखो हूँ तो अपने जोड़ करने एक बार देखो बटिया के आंसर दिता होएगा तो आप बटिया के अपन लियाना बहुत सौखा है देखो इन्हों का जोड़ करने का पांच ते चार पिछले अखर का जोड़ करा पांच ते चार नौ चार ते तीन सत्त उपर तो आ गया 79 थले आ गया अपने को 34 देखो पहली ऑप्शन के अपन नज़र आ रहा 79 बटा 34 ये वाला अपना इसका आंसर निकल के आ चुका है सवाल का ठीक है वैसे तुम स्पीडली कर सकते हो समझाने करके अपन इस सवाल के टाइम लग गया सो जेकर वीडियो तुमने लाइक नहीं किया तो चलती हुई वीडियो एक बार जरूर लाइक कर दो तो जेकर वीडियो वधिया लगी है तो कमेंट करके जरूर दस देना है ठीक है जी तो उस तो बाद देखो अपने अगला सवाल किस तरह सॉल्व करना है तुहानू दस्सिया बार तो नींगा मारनी है बार जेकर ना हो तो अपने ब्रैकेट सॉल्व करना है देखो आ वाला गोल ब्रैकेट दिता है ठीक है आ वाला तो उस तो बाद अपन करल ब्रैकेट दिते ने स्केयर वाला ब्रैकेट इस तरह अपन ब्रैकेटा सॉल्व अपने करते जाने का ठीक है जी तो देखो सब तो पहले अपने की करना है ब्रैकेट सब तो पहले अपने भाग करनी है ब्रैकेट के भाग का मतलब एक बटा दो कर लाँगे देखो भाग की निशानी हैगी ठीक है एक बटा दो कर लिया जोड़ दे विच एक हैगा आ जिहड़ा ब्रैकेट दे विच दिता होया सीगा सारे नूं आपां ने ये चीज़ बना के एक बार लिख लिया ठीक है एक बार जो आपां ने लिख लिया तो इस नूं देखो आपां सॉल्व किवें करांगे दो दी एक नाल गुणा देखो नीचे एक लगा लिया इसका मतलब ये हैगा दो एकम दो जोड़ एक एकम एक बटा दो एकम दो उपर बन जाएगा दो तो एक तीन बटा दो अपना इसका आंसर इतों तक आ चुका है जिहड़ा ब्रैकेट के अपन ये वाला दिता होया इन्ना इसका सारे का मतलब अपने को निकल के आ चुका है तीन बटा दो ठीक है एक किदे विच सीगा ब्रैकेट के अपन दिता होएगा तीन ठीक है ये अपन तीन दिता होएगा देखो तीन दे अगे भाग की निशानी भी है उस तो बाद एक जोड़ एक इतों तक अपने आ वाली लिख ली इतों तक आ देखो ठीक है तो देखो सब तो पहला फिर अपने भाग के वाल तो फिर नींगा मारनी है ना जो आप बी ओ डी लिखते होंने ठीक है ब्रैकेट तो अपना चल ही रहा उस तो बाद ऑफ आ देखो तीन तो नाल हैगा आ तीन दे नाल चीज़ ऑफ दे विच है ना जो अपन ऑफ पहला नींगा दे विच आ रही है तो डिवाइड जी आ वाली डिवाइड है उसके वाल तो आप फिर जावे पहला ऑफ न सोल्व करने का अपने ऑफ कितने दिती हुई हैगी आ वाली ठीक है देखो आ तीन अपने इस तरह लिख लिया आ वाला जिहड़ा ब्रैकेट सीगा ब्रैकेट नूं इसे तरह लिख लिया तीन वटा दो लिख लिया आ वाला तो उस तो बाद अपने गुणा की तीन दी तीन नाल नौ आ जाएगा वटा दो नौ वटा दो देखो अपना इतों तक का सॉल्व करके आ चुका है ठीक है तो आप इतों तक इस नौ वटा दो लिख लेंगे ठीक है नौ वटा दो अपने देखो इस लिख लिया नौ वटा दो इतों तक अपना हो गया सॉल्व इतों तक का ठीक है नौ वटा दो दे अगे भाग की निशानी लग जाएगी जी आ वाली दिती हुई है ठीक है उस तो अगे लग जाएगा अपने को एक फिर उस तो अगे जोड़ एक हैगा ब्रैकेट के ने सारे अपने ब्रैकेट के लिख लिया इतों तक का अपना मटीरियल आ चुका है हूँ ठीक है तो उस तो बाद देखो तुहानू दस्सिया जेकर इत्थे होवे भाग की निशानी इनू बनाना होवे गुणा की निशानी आपां एक बार इन स्टेटमेंट नूं लिख लैने एक गुणा दो वटा नौ कर ली आपां नौ वटा दो सीगा इत्थे भाग की निशानी सीगी इस नूं आपां ने पलटा के गुणा की निशानी बना लिया तो अपने कोल की बन गया दो वटा नौ इन्ना सारा सोल्व ए वाला सारा सोल्व करके अपने कोल दो वटा नौ आ चुका है ठीक है दो वटा नौ अपने कोल आ चुका है दो वटा नौ आ वाली जोड़ की निशानी तो इस दे अगे एक सीगा ए ब्रैकेट दे विच उस तरह अपने लिख ले नौ एकम नौ ठीक है नीचे एक लगा सकते हैं अपन जेकर तुहानू समझ आ गया कि क्यों लगाने तो उसकी तुहाडी मर्जी है लगाना भी है या नहीं वैसे भी आपां कर सकते हैं देखो आपां एक मन के इसे तरह गुणा कर सकते हैं जोड़ पा के दो बटा नौ ठीक है नौ तो दो ग्यारह बटा नौ इतों तक का देखो इतों तक आ वाला सारा सॉल्व करके अपने को 11 बटा 9 आ चुका है ठीक है आप इस 11 बटा 9 मान लिए एक बार देखो 11 बटा 9 11 बटा 9 आपने इस लिख लिया आ सारा आपने करता साफ इतों तक का तो आ वाला ब्रैकेट है जोड़ा देखो
वाला ब्रैकेट दे विच अपना कम हुण चल पिया, विचला सारा कम अपना समाप्त हो गया। आ वाले ब्रैकेट के उत्ते आपां पहुँच चुके हैं, देखो ठीक है। उस तो बाद देखो इस दे अगे डिवाइड की निशानी तो एक, डिवाइड की निशानी तो एक इधरला आपां बाद दे विच देखांगे, पहला एक दे नाल आपां निबड़ा कर लैने एक बार। एक हैगा डिवाइड की निशानी हैगी, डिवाइड की निशानी नूं आपां बना लेंगे गुणा की निशानी। देखो इत्थे बना ली अपने गुणा की निशानी, 11 बटा 9 सीगा आपां 9 बटा 11 इसनूं कर सकते हैं, तो 9 एक 9 तो 11 का 11 आ गया, एक लगा के देख सकते हो अगे सामने वाले दे नाल सामने वाले की गुणा हो जाएगी। तो देखो अपना 9 बटा 11 इत्थे बन के आ चुका है, 9 बटा 11 इत्थों तक का, 9 बटा 11 आ वाला जोड़ता एक एक पा के जोड़ की निशानी इत्थे आपां नाल लिख लेंगे, ठीक है। उस तो बाद बटे दे विच एक लगा लो, एक दी गुणा 11 दे नाल कर लो, उपर आ जाएगा 11 जोड़ दी निशानी है विचाले, 9 एक 9 बटा 11 ठीक है। 11 ते 9 अपने कोल उपर हो जाएगा 20, ते नीचे आ जाएगा अपने कोल 11, 20 बटा 11 अपना देखो इतों तक का बन चुका है जिहड़ा आपां ने सोल्व कर लिया हुण तक, इतों तक का आपां ने सारा सवाल सोल्व कर लिया पिछला, हाँ सारा इतों तक सोल्व कर लिया। तो अपने कोल एक दे नाल डिवाइड हैगी आह वाली, देखो एक दे नाल डिवाइड ये चीज़ आपां ने लिख ली। उस तो बाद अपने कोल बच गया सीगा 20 बटा 11 ठीक है। तो हमें दस्या सीगा कि जेकर आपने डिवाइड तो गुणा की निशानी बनानी हो, एक गुणा की निशानी बना लो तो 20 बटा 11 11 बटा 20 आप लिख देंगे ठीक है, गुणा कर लेंगे बटा एक लग के। जेकर बटा एक नहीं भी लिखना तो हमें वैसे भी गुणा करनी आती है, तो 11 एक 11 11 बटा 20 11 बटा 20 अपना इसका आंसर निकल के सामने आ चुका है। देखो कि ऑप्शन के विच है, 11 बटा 23 भी देखो पहली ऑप्शन के विच दिता हुआ, तुसी ने इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना है, तुसी ने बी ऑप्शन नूं टिक करके आना है ठीक है। उस तो बाद देखो अगले प्रश्न के वल वधदे आ, अगला प्रश्न है 36 बटा एक्स ठीक है बराबर एक्स बटा 9। देखो जिमें तो अनुपात के भी एक तरह आपने दसा सीगा यह वाला सवाल, उस तरीके दे नाल भी तुसी कर सकते हो, वैसे उही समझ लो एक तरह ठीक है। देखो हुण सोल्व करना है आपां नूं, कुछ भी आपां नूं देखो कुछ नहीं दस्या होया इन्होंने आपां ने की करना, इसका जोड़ जां कटा जां गुणा कुछ भी नहीं आपां नूं कहा होया इस दे विच, तां आपां देखो कि इसका कर की सकते हैं ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग के होनी चाहिए हैगी, ये चीज़ अपने किवें दिमाग दे विच किवें आएगी जेकर आपां इसकी प्रैक्टिस करांगे ठीक है। प्रैक्टिस दे नाल सारा कुछ मसले हल ने। तो देखो 36 ते 9, 36 गुणा 9 लिख सकते हैं बचाले बराबर की निशानी, बराबर की निशानी एक्स गुणा एक्स मतलब कि एक्स की घात 2 लिख सकते हैं, इसनों एक्स की घात अपने 2 लिख लिया ठीक है। ते तो तुहानू दस्या सीगा कि दोनों पासे 1 बटा 2 की गुणा कर दो, देखो 36 गुणा 9 इस दे उपर 1 बटा 2 लिखता अपने बराबर एक्स की घात 2 हैगा, इहदे नाल जदों आपां 1 बटा 2 की गुणा की तो 2 दे नाल 2 कैंसल हो जाएगा, मतलब कि इधर रह जाएगी कल्ली एक्स, इधर लैं उत्ते आ जाएगा रूट ठीक है। जो फिर तुम्हें सीधा दस्या सीगा कि इधर जिहड़ी एक्स की घात 2 होंदी हैगी इधर जाके रूट बन जाती होंदी हैगी वो ठीक है। देखो 36 गुणा एक्स हैगा अपने कोल, 36 गुणा 9 हैगा अपने कोल, इधर रह जाएगी कल्ली एक्स, इधर लैं उत्ते बन जाएगा इस तरह रूट ठीक है। आ वाला रूट अपने इतों बनाता, उस तो बाद देखो और रूट तो बाद वह तो निकल जाता है बाहर, कहें जिदे जोड़ीदार होवे जिहड़ा होवे कल्ला वह बेचारा रूट के फसया रहा है। देखो फसया किमें रहा है तो बाहर किमें निकलता, 36 है जिहड़ा देखो रूट के इन्हां दे एक तरह टुकड़े बना के लिख लेंगे, 36 किस दी स्केयर होंदी हैगी है ना, जा हाँ किस दी स्केयर होंदी हैगी 36 है जिहड़ा, ये होंदा है 6 गुणा 6 आपां कह सकते हैं ठीक है। 36 नूं आपां 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, बचाले गुणा पा लो, जिहड़ा 9 हैगा आपां 9 नूं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं बराबर उही एक्स अपने कोल, इस तरह लिख लो इसनों ठीक है, इसनों कर दो इरेज। तो जो फिर इस तों बाद आपां इत्थे ए स्टैप भी बना सकते सीगे कि देखो ये सीगे ये 36 नूं आपां सीधा 36 नूं आपां सीधा इस दे विच्चों बाहर कढ़ सकते सीगे देखो, हाँ चलो इत्थे आपां स्टैप नूं उसनों ऐड कर लैने हैंगे। देखो 6 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हैं ठीक है। आ वाला 2 तो आ वाला 2 इन्हां दोनों ने उपरली छतरी नूं पजा दिता,
इतने बच गया छे गुणा इतने बच गया तीन बराबर एक्स हैगी उत्थी उवें है पहले वागू तो छे ती है अठारह अठारह देखो इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो जां फिर आप सीधा कह सकते हैं कि जिहड़े दे नाल होएगा जोड़ीदार वो संख्या बाहर निकलती आएगी इस दे नाल छे दे नाल जोड़ीदार हैगा छे दा तां अपने कोल छे बाहर निकल के आ जाएगा गुणा की निशानिया विचाले आ वाली गुणा इस तरह निकल के आएगी तीन दे नाल तीन का जोड़ीदार हैगा तो अपने कोल तीन आ जाएगा बराबर एक्स इस तरह हैगी है तो छे ती आ अठारह अपना इसका आंसर बन जाएगा इस सवाल का एक्स की वैल्यू अपने कोल अठारह आ जाएगी जां तुहानूं इत्थे इस तरह लिखा होया आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्टेटमेंट दे विच आपां ने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली एक्स की वैल्यू अपने कोल अठारह निकल के आ गई बी ऑप्शन दे विच देखो आपां नूं अठारह वैल्यू दित्ती पई हैगी ठीक है ये अपना इसका आंसर होएगा। उस तो बाद देखो अगले सवाल के वल वधदे आं पहलां वाले नाल दा ही सवाल हैगा एक्स की वैल्यू आपां ने एक तरह फाइंड करनी हैगी मतलब कि जिथे एक्स लिखा होएगा उत्थे आपां की लिख सकते हैं देखो इन्होंने आपां नूं ये किया सीगा देखो छत्ती बटा एक्स हैगा एक्स की जगह पर आप अठारह लिख सकते हैं ठीक है बराबर एक्स बटा नौ हैगा मतलब कि अठारह बटा नौ आप लिख सकते हैं इसनों ठीक है जिमें कि देखो तो अपने रेशो वाला सवाल करवाया सीगा ठीक है रेशो अनुपात से समान अनुपात वाला तो देखो सवाल दस्या सीगा उस दे विच आपां ने की कीता सीगा मान लो छत्ती अनुपात एक्स समान अनुपात उत्थे सीगा एक्स अनुपात नौ ठीक है इस तरह सीगा आपने आ वाली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी सी तुहानू दस्या सीगा कि ए दी गुणा डी नाल करनी हुंदी हैगी इन्हां दी दोनों की गुणा करनी हुंदी है ए ते डी आपां नूं किन्ने दित्ते होए ने ए ते डी आपां नूं देखो दित्ते होए ने छत्ती गुणा नौ छत्ती ते नौ दी जाता कर लो गुणा देखो इन्हां दी विचारलिया नहीं करांगे जदों आपां इत्थे अपने कोल एक्स की घात दो आ जाएगी उही चीज़ जिहड़ी आपां हुण करके हटे हाँ ठीक है आपां ने बिना समान अनुपात वाला लगाए ऐसी कर लिया मतलब कि इन्हां ने दित्ता ही पिया सीगा आपां नूं बटियां दे विच उसे तरह आपां ने कर लिया सीगा ते देखो इन्हां दी ज्यादा तुसीं कर सकते हो गुणा छत्ती दी नौ नाल गुणा करके फिर उसका रूट फाइंड कर सकते हो स्केयर रूट फाइंड कर सकते हो ठीक है तो जां फिर कल्ले कल्ले दा रूट फाइंड करके उन्हां दी आपस दे विच गुणा कर सकते हो सेम उत्तर आएगा तुहाडा ठीक है तो देखो उस दे विचों आपां ने की कीता सीगा अपने कोल एक्स की वैल्यू जदों आपां ने इसनूं सॉल्व कर लिया अपने कोल अठारह इस दा आंसर आ गया सीगा जिथे जिथे एक्स हैगी उत्थे उत्थे आपां अठारह इस दे विच लिख दांगे इत्थे नौ हैगा इत्थे अपने कोल छत्ती हैगी देखो इन्हां दे विच सेम फार्मूला काम कर रहे समान अनुपात हुंदा है दो अनुपातों की तुलना करना ठीक है दो अनुपातों की तुलना सही कर रहे हैगे कि समान अनुपात समान रेशो दे विच हैगे ने देखो इन्हां दे विच छत्ती नूं जेकर दो ते वंडिया अठारह दूना छत्ती हुंदा देखो अठारह गुणा दो अठारह नूं दो नाल गुणा की फिर छत्ती आऊगा उस तो बाद देखो नौ नूं दो नाल गुणा की नौ नूं दो नाल गुणा की अठारह आएगा समान रेशो दे विच ने तां ठीक है अपना समान अनुपात यह बन रहेगा ठीक है समान अनुपात वाली भी तुहाडी देखो एक बार रिवीजन हो चुकी हैगी उस तो बाद देखो अगला प्रश्न हैगा जिहड़ा उस दे विच देखो आपां नूं दित्ता हैगा इक्की वटा एक्स बराबर एक्स वटा दो एक वटा तीन दिता होएगा ठीक है इत्थे तां देखो आपां नूं सीधा एक्स देता तो जिहड़ा इधर वाला दिता हैगा आपां नूं उस दे विच आपां नूं एक तरह की इस तरह की वैल्यू देती आपां इस नूं देखो किस तरह सॉल्व करांगे ए वाली वैल्यू नूं आपां पहलां सॉल्व कर लैंदे आ फिर इहनूं आपां साफ करके इत्थे ही अपनी उस वैल्यू नूं चिपका देंगे ठीक है तां देखो दो एक वटा तीन तीन दूनी छे ते एक सत्त सत्त वटा तीन आ वाला आपां इत्थे लिख दिंदे हुंदे आ तां अपने कोल बन गया इत्थे सत्त वटा तीन देखो इत्थे आपां सत्त वटा तीन लिख सकते हैं ठीक है पहलां वाले नालों फिर भी डिफरेंस हैगा देखो इत्थे सीधा इक्की सीगा इत्थे आपां नूं वटे वाली वैल्यू मिल रही हैगी ठीक है इसनों आपां पॉइंटां दे विच तां नहीं लिखांगे चलो एक बार आपां फिर भी इसनों सॉल्व करन दी कोशिश कर देंगे इहदी गुणा सम इस तरह हो जाएगी इस दी गुणा इस नाल हो जाएगी ठीक है बराबर दे विच ने ना इह तां देखो आपां इस तों बाद किवें कर देंगे इक्की गुणा सत्त वटा तीन ठीक है बराबर एक्स की घात दो लिख लिया आपां ने तां उस तों बाद देखो जे तां इह कटदे ने तां आपां इहनां नूं कट भी सकदे आ कटने के वास्ते तीन एकम तीन सत्त ती आ इक्की हुंदेगा ठीक है अपने कोल की बच गया सत्त गुणा सत्त बराबर एक्स की घात दो ते तुहानू दस्या सीगा कि जिहड़ी इधर वाली घात दो हुंदी हैगी वह आके इन्हां दे उपर रूट बन जाएगा सत्त गुणा सत्त अपने कोल ये चीज़ बन जाएगी बराबर बन जाएगी अपने कोल एक्स
ठीक है। उस तो बाद देखो एक बार आपां इन्हां नूं कर दिंदे हांगे साफ, साफ करके इस नूं तुहानूं उपर सॉल्वेशन दिखाने हांगे इसकी। देखो इस नूं आपां लिख सकते हैं सत्त गुणा सत्त, जां तां इस तरह कह सकते हो तुसीं, देखो जोड़ीदार इहदा मिल रहा सत्त दा, तां सत्त नूं कढ लांगे बाहर बराबर अपना जिहड़ी एक्स, इसकी एक्स की वैल्यू अपने को वाली निकल के सामने आ चुकी हैगी सत्त। देखो अपन सी ऑप्शन दे विच नज़र आ रहेगा तो जिहड़ा सी हैगा इसका राइट आंसर होएगा अपना, ठीक है। तो जां फिर देखो उणंजा कह सकते हैं कि इसनों सत्त गुणा सत्त, इस दे विच अपना रूट दे विच उणंजा होएगा बराबर एक्स, उणंजा होंगेगा जिहड़ा, ठीक है। सत्त सत्त की स्केयर करके उणंजा होंगेगा अपने को, ठीक है। तो जां फिर उणंजा का स्केयर रूट अपने को सत्त होंगे, सत्त अपना इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा अपना, ठीक है। उस तो बाद देखो अगले प्रश्न के वल वधदे आप, ठीक है। अगले प्रश्न के देखो की दिता होएगा, आपां इन्हां दी पहलां सॉल्वेशन कर लाँगे, बटे दे विच दिता होएगा, ठीक है। स्केयर दित्तियां होईयां ने, जेकर तुहानूं स्केयर आउंदियां होणगियां तां ही तुसीं देखो इस सवाल नूं सॉल्व कर सकोगे। सत्त दी स्केयर आपां सत्त दी स्केयर लिख सकते हैं खोल के एक बार, ठीक है। उणंजा होंदी हैगी आ वाला, देखो आपां ने खोल के एक तरह लिख लिया गा इसनूं, आपां देखो कलर चेंज कर लैंदे हैगे इसका। सब तो पहला जेकर आप चाहते हैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, वैसे तो आप खोल के लिख रहे हैं, देखो आप सॉल्व तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो देखो सत्त की घात दो इतने लिख लिया अपने, उणंजा गुणा चौंह इस तरह उतार लिया अपने, ठीक है। गुणा देखो हूँ आप ब्रैकेट है ना जो अपने को, ब्रैकेट न ब्रैकेट ही रखना एक बार, चलो इतने भी ब्रैकेट ना रखो, इतने आप सॉल्व करके ही लिख लेंगे एक बार, इधर आप ब्रैकेट लेके कम चला लें। तीन की घात दो नौ हो गया, प्लस चार की घात दो, चार की घात दो सोलह होंगेगा अपने को ब्रैकेट के विच हैगा, नौ तो सोलह, नौ तो सोलह का जो अपने जोड़ किया अपने को इतने पच्ची आ जाएगा, ठीक है। अपने इतने पच्ची लिख लेगा इसनों, तो देखो बटा सीगा बटे दे विच अपने इस तरह लिख लिया। उस तो बाद उणंजा उतार लिया, देखो उपरों इतों अठ की घात दो की होंगेगा, अठ अठ चौंह होंगेगा, गुणा अपने चौंह इतने उतार लिया, गुणा पच्ची होंगेगा, पच्ची अपने उतार लेगा। देखो उस तो बाद अपने की करना है, इन्हों कट्टना है, कट्टन के वास्ते उणंजा के नाल उणंजा कट्टता, चौंह के नाल चौंह कट्टता, पच्ची के नाल अपने पच्ची कट्टता, सारे कट्ट के अपने को एक आंसर आ चुकेगा। जो या फिर एवें कह सकते जो उणंजा उणंजा के नाल कट्टिया एक आ गया, चौंह नूं चौंह के नाल कट्टिया एक आ गया, पच्ची नूं पच्ची के नाल कट्टिया अपने को एक आ गया, सारे जिहड़े अपने को एक गुणा एक तीन बारी आ गया सीगा, एक दी चाहे किन्ने वार मर्जी आपां गुणा कर सकते हैं अपने को एक ही आउंदा हुंदा, तां करके डी ऑप्शन वाला अपना राइट आंसर होएगा एक, ठीक है। उस तो बाद अगले प्रश्न के वल वधदे आं, अगला प्रश्न देखो आपां इस तरह जिवें पहलां उतारिया सीगा इहनां नूं सॉल्व करते जावांगे ते उतारदे जावांगे, ठीक है। तो देखो आपां तीन बटा दो, तीन बटा दो नूं आपां की लिख सकते हैं बत्ती बटा दस लिख सकते होंगे, क्योंकि पॉइंट तो बाद देखो एक अक्षर हैगा ये, ठीक है। तो अपने नीचे एक दे नाल एक जीरो लगा दी है, ठीक है। तो देखो आप सब तो पहला इन्हों जीरो आप बाद दे विच लगा लेंगे, एक बार आप इस सीधा इस तरह ही लिख लेंगे, उपर लिख लिया बत्ती गुणा चौंह लिख लिया गुणा एक ही लिख लिया अपने, ज़्यादा खुला नहीं लिखा, देखो एक मिनट इसनों आप छोटे अक्षर बत्ती गुणा चौंह गुणा एक ही, ठीक है। ये चीज़ अपने लिख ली, उस तो बाद नीचे वाले इस तरह लिख लो, जेकर पॉइंट नज़र आ रहेगा नीचे कर लिया सोलह गुणा अठ गुणा सत्त, तो देखो जे जिस तरह आपने तुहानू दस्या सीगा जेकर तो आपने पॉइंट उपरों खत्म किया, उपर वाली संख्या का पॉइंट किन्ने बार खत्म किया, देखो एक बार तो इतने खत्म किया, एक बार इतने एक बार इतने तीन बार पॉइंट खत्म किया है अपने, तो फिर नीचे वाले के नाल आप तीन जीरो लगा देंगे, ठीक है। मतलब कि नीचे अपने हज़ार लगाता, तो नीचे अपने किन्ने बार पॉइंट खत्म किया, एक बार खत्म किया, तो उपर लिया के नाल आप एक दे नाल जीरो लगा देंगे, एक जीरो उपर लिया दे देंगे, ठीक है। इस तरह आप इसनों करते होंगे, ठीक है। उस तो बाद आपने की करना है, इन्हों कट्टना है, ठीक है। कट्टना किवें है, देखो सोलह एकम सोलह, सोलह दूनी बत्ती होंगे, ठीक है। अठ एकम अठ हों, अठ 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 चौंह हों, इतने अपना अठ आ जाएगा। सत्त एकम सत्त हों, सत्त तिया इक्की होंगेगा, आज वाली जीरो के नाल जीरो आप कट देंगे, तो अपने को देखो उपर आ जाएगा अठ तीए चौबी, ठीक है। अपना उपर अठ तीए चौबी, चौबी तो दो आ पेगा अपने को,
ठीक है, 24 × 48 उपर अपना आंसर आ जाएगा 48। तो एक बार देखो इसे आप साफ कर लेंगे, उपर आ जाएगा अपने को 48, नीचे देखो आ वाला अपने को 100 बचा होएगा, देखो 48/100 48/100 अपने को आंसर आएगा इसका। तो इसको आप कर देंगे साफ, देखो आ वाला 100 कह रहे हैं गे, तो इसको एक बार आप साफ करके देखो तुहानू लिख के दिखा देंगे, 48/100 अपना इसका आंसर निकल के सामने आएगा हुण तक दा। इस तों बाद देखो 48/100, देखो नीचे 2 जीरो ने पॉइंटा के आंसर आए हुए, तो आप पॉइंटा के ही कड़ांगे, देखो नीचे 2 जीरो लगिया हुई ने, तो 2 अक्षर तो अगे पॉइंट लग जाएगा, उपर वाले तो है ही 2 अक्षर ने, मतलब कि चौका तो 8 इस दे अगे पॉइंट ला के ते नाल 0 लग जाएगी, 0.48 इसका अपना आंसर होएगा। सी ऑप्शन दे विच देखो अपन आंसर इसका दिता पेगा, ये होएगा इसका राइट आंसर। उस तो बाद अगले प्रश्न के वल वधदे आ, ठीक है, इन्हां दा करना हैगा जोड़, अपने सिंपल अपन देखो स्टेटमेंटा दित्तियां होईयां ने, 1/2 ठीक है, 2 सही 1/3 हैगा, देखो 1/2 2 1/3 लिखा होएगा, जोड़ 1 1 सही 3/4 ठीक है, 2 3 × 2 नाल गुणा की 3 × 2 = 6 ते 1 7/3, इसनों तो आप कह सकते हैं 7/3 पहले दे जिहड़ी नाल लगी हुई हैगी, ठीक है, उसनों कह सकते हैं 7/3, तो आप इसनों साफ करके इत्थे 7/3 ही ना लिख दईए, 7/3 आपने इत्थे लिख दित्ता हैगा, ठीक है, इत्थों आपने कर देने गा इसनों इरेज। तो देखो हुण आपां दूजे वाले नूं सॉल्व कर देंगे, 4 × 4 = 3 7, तो इतने अपना 7 आ गया, 7 तो नीचे वाला आप उ लिखते होंगे 7/4, इसको आप लिख सकते हैं 7/4 7/4 इसको लिख देवे अपना 7/4। तो उस तो बाद देखो अपने करना है जोड़, ठीक है, जोड़ करने के वास्ते आप इन्हों इस तरह कर सकते हैं जिमें कि आप करते होंगे सके, इसका उपर गुणा कर देंगे, इसकी उपर इस पास उपरले पास इसकी गुणा कर देंगे, देखो तो इसकी 1 गुणा की 7/4 अपने को इस तरह आ गया, ठीक है, जोड़ देखो इसकी जो आप गुणा करा उपर 7/4 की 7/4 अपने को, फिर गुणा भी ना करो आप इसको पलटा के भी लिख सकते हैं, देखो गुणा करते जेकर तो लग रहा है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखो ये हैगा अपने को 1 1/1 1/2 है जोड़ा, यदा मतलब भाग होंगे गा, 1 जेकर इतने लिख सकते हैं, देखो 1 1/7/3 जोड़ की निशानी हैगी आह वाली, उस तो बाद अपने जोड़ की निशानी पा के 1/7/4 इस तरह लिख लिया, ठीक है, इसको आप एक बार साफ कर दीए। तो हुण देखो आप इसको किस तरह करांगे, 1 लिख लिया आह वाला, ठीक है, जिथे भाग की निशानी सी इसको बना लिया अपने गुणा, तो गुणा बनाने के वास्ते शर्त सी इसको आप पलटाने होंगे, तो आप कर देंगे 3/7 जोड़ की निशानी उस तरह लिख लेंगे, ठीक है, उस तो बाद 1 ए वाला अपने उस तरह लिख लिया, तो नाल गुणा की निशानी बनाती, तो 4/7 इसको बना के लिख देंगे, 7/4 से 4/7 आपने इसको बना के लिख दिता है, देखो जोड़ तो आपको हूँ भी करना पेगा, चाहे आप इसको पहल भी कर सकते सके, तो देखो इन्हों की गुणा की फिर इन्हों की गुणा की विचाले अपनी जोड़ की निशानी उस तरह काम करता रहेगा इसका ओपरेटर, ठीक है, 3/7 बन गया तो अपने को जोड़ 4/7 अपने को बन जाएगा, इन्हों ने देखो अपने हूँ करने का जोड़, इस दे विच फायदा यह हो गया, देखो अपना नीचे दोने पासे अपने को 7 ते 7 आ रहेगा, तो जो आप जोड़ करते होंने नीचे सेम अक्षर हो उपर वाले का दोनों का आप कर देने होंगे जोड़ 7/7, तो दोनों कट के अपने को 1 आ गया, 1 आपको देखो डी ऑप्शन के नज़र आ रहेगा, तो डी वाला अपना राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। उस तो बाद देखो अगले प्रश्न के वल, पहला जिस तरह कई आप सवाल करते हैं उन्होंने नाल ही अपना यह क्वेश्चन निकल के आएगा, देखो 1/1 1/1 इस दे अगे जोड़ है 1, तो 1 की गुणा करो, देखो 1 1 में 1 जोड़ फिर 1 लिख लिया 1/1 मतलब कि अपने को 2 इत्थे बन गया इसका, इसको सारे ब्रैकेट में जोड़ा अपने को छोटा ब्रैकेट दिता हुआ सी इसको सारे सॉल्व करके अपने को 2 बन रहा है, तो फिर आपको पता ही है 1/1 का मतलब की होंगे अपने को 1 होंगे
कट के एक लिख लिया, ठीक है। कट के मतलब कि देखो ये वाला सीगा जिहड़ा इन्नी स्टेटमेंट, इहदा मतलब हुंदा है एक, इत्थे विचाले जोड़ दी निशानी एक जोड़ एक, अपने कोल इत्थों तक दो बन चुका है। आ देखो दो नूं आपां ने ब्रैकेट दे विच लिख लिया, इस दे अगे भाग दी निशानी एक, ठीक है। मतलब कि अपने कोल इत्थों तक बन गया एक बटा दो, एक बटा दो। इस तों बाद आ जोड़ दी निशानी ते एक लिख लिया, एक जोड़ दी निशानी, ठीक है। दो एक में दो इन्हां दी गुणा कीती, जोड़ आ वाला एक लिख लिया, इतों एक की गुणा कर ली समझ लो, तो बटा दो उपर बन गया अपने कोल तीन, नीचे बन गया दो, तीन बटा दो अपना इतों तक का सारे ब्रैकेट नूं सोल्व करके अपना तीन बटा दो बन चुका है, ठीक है। तीन बटा दो देखो इन्नी स्टेटमेंट अपनी सोल्व हो चुकेगी इतों तक की, तीन बटा दो अपना इतों आ गया। इस दे अगे हैगी भाग की निशानी एक, आ वाला भाग की निशानी तो एक अपने लिख लिया, ठीक है। तो आ वाला सीगा जिहड़ा इहदा मतलब तीन बटा दो बन चुका है। एक भाग की निशानी तो बनाती गुणा दो बटा तीन अपने बना दिता है, तो दो बटा तीन ही अपना आंसर इतों निकल के आ जाएगा जो अपने इन्ने सोल्व किया। देखो इतों तक अपना दो बटा तीन निकल के आ चुका है। दो बटा तीन के अगे देखो आ वाला प्लस का एक भी सीगा, एक दे नाल प्लस, तो इतने भी एक लगा लेंगे आप, इसनों सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के वास्ते तीन एकम तीन, ठीक है, जोड़ की निशानी पा लेंगे, दो एकम दो बटे दे विच तीन, तो उपर बन जाएगा पंज, नीचे बन जाएगा अपने कोल तीन, पंज बटा तीन इतों तक देखो अपना आ चुका है, पंज बटा तीन, ठीक है। पंज बटा तीन इतों तक देखो अपना सवाल आ वाला सारा इतों तक का सवाल सोल्व हो चुका है। इसते अगे पंज बटा तीन जो आया उसके अगे भाग की निशानी हैगी आ वाली अपने लिख ली, ठीक है। एक भाग की निशानी तो बनाती गुणा अपने कोल बन जाएगा तीन बटा पंज, पंज बटा तीन सीगा तीन बटा पंज अपने बना लिया, तो इस तों बाद अपने करती गुणा तीन एकम तीन पंज दा पंज अपने कोल आ गया तीन बटा पंज। देखो अपना सी ऑप्शन दे विच अपन इसका राइट आंसर दिखाई दे रहेगा, तो सी वाला अपना इसका राइट आंसर होएगा, ठीक है। तो जा कई बार देख लेने का जेकर अपने तो कई बार मिसटेक हो जाती है गुणा करने विच, तां तुसी ने उसनू अपने आप सोल्व करके देख लेने का। जेकर तुहाडा आंसर होर कोई ऑप्शन आउंदी होवे तां तुसी ने ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, तुसी ने दोबारा उसनू चैक करके देख लिया करो। तो जेकर तुहाडा दो बारी आंसर सही आ जाए तो फिर उही आंसर सही होएगा, ठीक है। कई बार अपने तो इत्थों भी मिसटेक रह जाती होंगी है गुणा करन दे विच। ते उस तों बाद देखो अगला सवाल, ठीक है, पहला वाले दे वांगू ही हैगा, उस तरह ही अपने इसनों सोल्व करने का। देखो उत्थे ही अपना कट्टना स्टार्ट कर लैने गे इसनों, ठीक है, नीचे लियाउण दी भी इन्नी जरूरत नहीं हैगी। तो देखो चार नूं कट्टना हैगा हुण, इत्थों दस नूं कट के अपने कोल दो आ गया, ठीक है। पंज नूं कट के इत्थे चलो एक लिख लो, ठीक है, तो जां फिर पच्ची नूं कट लो, चलो अपन पंज तां फिर भी गुणा करन दे विच ईजी रहेगा। इत्थे अपां पंज लिख लिया कट के, पंजों पंज पच्ची हुंदा हैगा, तां देखो इन्हां नूं तां आपां ने कट लिया इत्थों तक, सॉरी इन्हां दे विचाले देखो घटा दी निशानी सीगी तां करके आपां इस तरह नहीं कट सकते, कॉमन लैना पएगा आपां नूं। तां देखो खोल के एक तरह लिख सकते हैं, देखो इस दे विच पंज पएगा, देखो सैपरेट स्टेटमेंटां ने, देखो 241 हैगा गुणा चार गुणा पंज, ठीक है। तो आ चीज़ बन गई अपने कोल इतों तक, तो नीचे की अपने कोल सत्त गुणा दस गुणा चौदह, ठीक है। उस तो बाद देखो इत्थे लगी हुई है कि घटा दी निशानी इत्थे, जेडे तो हुण गुणा दे विच तां तां आपां उपरले नूं ते नीचे वाले नूं कट सकते होंने, जदों विचाले किते भी गुणा दी गुणा भाग इन्हां तों बिना दी निशानी आ जाए जोड़ घटा दी, तां इहदा मतलब हुंदा है कि आपां उपरले नाल नहीं कट सकते, ठीक है, क्योंकि यह अलग अलग फैमिलियां बन जांदियां हुंदियां ने। जिवें कह दिंदे हुंदे आ कि आपां इहनां दे विच शरीका अपने आप दे विच आ जांदा हैगा, तां आपां इहनां नूं नहीं कट सकते हुंदे, ठीक है, क्योंकि जेकर आपां इहनां दे विचों कोई कट्टण लग जाइए तां इह क्यों कट्टण देणगे, क्योंकि इहनां दी विचाले देखो कंध इत्थे नज़र आ रही हैगी आपां नूं, ठीक है। तां करके देखो आपां इहनां नूं इस तरह नहीं कट सकते। हाँ जे कट्टणा पएगा देखो इहदे विचों पच्ची हैगा, पच्ची नूं आपां एक तरह इस तरह लिख सकते हुंदे आगे, देखो इत्थे नौ गुणा पंज गुणा पंज बनता पच्ची रहेगा, देखो पंज गुणा पंज जदों आपां ने कीता। तां जेकर हुण आपां देखो पंज नूं कट्टांगे अलग कलर दे नाल कट के दिखाने, आ वाला पंज कटता, तो आ वाला पंज
तो इतों भी पाँच लै लिया अपने इतने दो रह जाएगा। तो देकर जेकर देखो आप उपरों कट्टना होया तो ए फैमिली के अलग पंज लैना पएगा, आ फैमिली के अलग पंज लैना पएगा, नहीं तो इन्हां दे विच लड़ाई का मसला हो सकता है। देखो ठीक है, तो आपने उपरों दोनों के पंज पंज लै लिया, तो जां फिर कहने होंने कि आपने कॉमन पंज कढ लिया इन्हां दे उपर वाले दे विचों, पंज नूं कॉमन कढ लिया सीगा, तो इस तरह आपने कट दिता। ये चीज़ आप कह सकते हैं। देखो उस तों बाद होर कट्टण वास्ते देखो की हैगा इस दे विच, तां देखो होर तां इस दे विच नहीं हैगा कोई, ठीक है। उस तों बाद देखो 241 अपने कोल ए आ गया, तो उस तों बाद अपने कोल बचा होएगा 714, तो इन्हां दे विचों जेकर तां कट रहा होवे कोई तां कट देणेगा, नहीं फिर इन्हां दी कर लो गुणा 241 गुणा 4, ठीक है कटा कर लाँगे, कटा इन्हां दी दोनों की कर देंगे गुणा, इन्हां दी दोनों की कर लो गुणा 45 आ जाएगा अपने कोल, तां बटे दे विच आ जाएगा अपना 14 गुणा 7 हो जाएगा नीचे, जां 7 गुणा 14 कह सकते हैं। उपर लैण दी जदों आपां गुणा करांगे उपर आपने उस तरह गुणा करके लिख लेने गा, तो नीचे भी अपने इस तरह इसनू लिख लेने गा गुणा करके, सोलवेशन जिहड़ी होएगी। तो देखो एक तरह आपां इसनू 241 दी 4 दे नाल गुणा करनी हैगी, 241 गुणा 4, देखो 241 गुणा 4 होएगा, नौ सौ 64 देखो इसका बन रहेगा, 4 × 4 = 16, असल गया 1 × 4 × 2 = 8, तो 9 964 देखो इसका जो अपने गुणा की 964 अपना इन्ने का बन चुका है, ठीक है। उस तो बाद देखो अपने गुणा कर ली सी इन की 45 बन गया, 964 के अपने घटा देने गा 45, 964 के अपने 45 घटा देने गा, घटा के नीचे अपना इसका देखो 964 के अपने 45 घटा देने गा, 964 नीचे अपने को देखो 7 × 14 गुणा कर लेनी हैगी, 14 गुणा करके देखो अपना इतने इसनों सोलवेशन करनी हैगी, बाद इतने अपना आ जाएगा 964 घटा 45 बटा 14 × 7, ठीक है। ये चीज़ में अपनी सोलवेशन करके अपना इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, तुसने अपने आप इसकी सोलवेशन करके देख लेनी है कि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है पहलां दी। तां उस तो बाद देखो अगला प्रश्न की है अपना, अगला प्रश्न जिमें कि देखो तो शायद पिछली क्लास के भी अपने इस तरह का करवाया सीगा, जिमें कि अपन देखो ये दिता होएगा, ठीक है। तो इस दे विच पॉइंट तो बाद देखो अपन दो अक्षर नज़र आ रहे हैं, तो आप इस कर लाँगे 25/100, ठीक है 25/100 कर सकते हैं। पॉइंट तो बाद देखो दो अक्षर ने तो 2 0 अपने इस लगा लिया ने, उस तो बाद देखो भाग की निशानी हैगी, भाग की निशानी अपने लिख ली हैगी, उस तो बाद देखो की करने का अपने 25 लिख लेने का, पॉइंट तो बाद 4 अक्षर ने 25 इस तरह लिख लेने का, पॉइंट तो बाद 4 अक्षर ने तो 1 के नाल आप 4 0 लगा देंगे, गुणा की निशानी है गुणा लिख लो, उपर लिख लो 25, पॉइंट तो बाद देखो 3 अक्षर नज़र आ रहे हैं, पॉइंट तो बाद तो 1 के नाल आप 3 0 इस लगा देंगे, गुणा उपर फिर 25 लिख लेंगे, 25 लिखण तो बाद देखो पॉइंट तो बाद 1 अक्षर नज़र आ रहा है तो आप 1 के नाल 0 इस लगा देंगे, ठीक है। उस तो बाद देखो अपने वैसे तो इसनों कट सकते हैं, पर देखो इस दे विच आपां नूं भाग की निशानी एक नज़र आ रही हैगी, वो भाग की निशानी इसनों पलटा के रख देगी, देखो भाग की निशानी इसनों कर लेंगे आपां 25/100, देखो 25/100 पहले नूं तो आपां इसे तरह लिख लिया, इत्थे बना लिया गुणा, इसनों पलटा दो, इसनों पलटा के 1 के नाल नेगियां 4 0 / 25, 4 0 ने 1 के नाल गुणा 25/1000 गुणा 25/10, 25/10 हैगा अपने को इस तरह लिख लिया। उस तो बाद अपने इन्हों कटना है, कट सकते हैं। तो देखो इतने 2 0 ने, 2 0 के नाल आ 2 0 अपने कट दित्तियां, तो आ जिहड़ियां 2 0 बच गई इन्हों फिर आप कट देने गा, उस तो बाद देखो 25/25 कट देने गा, तो आ जड़े बच गए देखो इतने कट के 2 आ जाएगा अपने कोल,
तो इतने कट के पंच आ जाएगा अपने को। ठीक है, उस तो बाद देखो फिर इस इतने दस बचे हुए थे, इतने कट के दो आ जाएगा, इतने कट के अपने को फिर पंज अपने को आ जाएगा। तो अपने को उपर देखो पंज गुणा पंज बच चुका है, उपर अपने को पंज गुणा पंज बच चुका है, तो नीचे दो गुणा दो बच चुका है। देखो उपर सीगा पंज गुणा पंज, नीचे है दो गुणा दो, उपर आ जाएगा अपने को पच्ची, तो नीचे आ जाएगा अपने को चार। पच्ची बटा चार देखो इस दे विच कित्थे कोई ऑप्शन दे विच नज़र आ रहेगा, पच्ची बटा चार सी ऑप्शन दे विच नज़र आ रहा है, तो यह अपना इसका राइट आंसर होएगा। उस तो बाद देखो अगले प्रश्न के वल वधदे हां। अगला प्रश्न हैगा 45% ऑफ 2300, 45% का मतलब होंगे गा देखो परसेंटेज दे विच भी अपने सवाल किया सीगा, तुहानू सिंपलीफिकेशन दे विच भी यह सवाल आ सकता है। 45/100 कहने होंगे इस 45% नूं गुणा कर दो 2300। ठीक है, इस तरह अपने इसनों कर लिया इतों तक। इस तो बाद अपने करनी है इसकी कटिंग, इन्हों के जीरों लगे हुई ने जिड़िया जीरों के नाल दो कट दो जीरो। ठीक है, 23 के नाल गुणा कर लो, 23 के नाल जो अपने गुणा की अपना आंसर आ जाएगा। पंताली की 23 नाल गुणा की अपने तो गुणा करके चलो देख लेने का तुसी ने इसनों, इत्थे अपना ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो उस तो बाद देखो अगला प्रश्न 0.5 ठीक है बटा अपने 100 लिखते होंने परसेंट दे लई, तो एक आप पॉइंट दिता हुआ आ पॉइंट नूं आपां खत्म करन दे वास्ते एक जीरो होर लगा ली इस दे नाल, गुणा 400 इत्थे लिख लिया आपने। ठीक है, आ वालियां दो जीरों दे नाल कट दो, दो जीरों। ठीक है, तो उस तो बाद जिहड़ा आपां नूं देखो दिखाई दे रहा सीगा 10 इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे आ गया 1, तो 2 कट दो ते इत्थे भी अपने कोल 2 आ जाएगा। इस तो बाद देखो सारा नीचे वाला भी कट चुका है, उपर वाला भी, तो अपने कोल आ वाला कला 2 बचेगा, ये वाला 2 ही अपना इसका राइट आंसर होएगा, सीधा 2 अपना इसका आंसर निकल के सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखो उस दे विच तुसी ने गुणा करके देख लेनी है। उस तो बाद देखो अगले सवाल के वल वधदेंगे, जिवें कि आपां ने पहला एक सवाल किया सीगा उस दे नाल दी सवाल अपना देखो निकल के सामने आ रहेगा। 2 की घात जो अपने की है कि 3 अपने को आ जाएगा इतने 8 गुणा 6 की घात जो अपने 3 की तो अपने को आ जाएगा 216। ठीक है, ये चीज़ा तुसी ने याद कर लेनियां, जेकर याद नहीं करोगे तो पेपर के इन्हां दी गुणा करनी पएगी। जिवें कि देखो गुणा करन तो फिर व्यक्ति कतराउण लग जाएगा, जिवें कि देखो अपने पिछला सवाल ठीक है गुणा तो लिया के छड्ड दिता कि तुसी कर सकते हो, है ना, गुणा करके वैसे भी तुसी कमेंट बाक्स के उसका आंसर देना है। कई बार होंगे कि ऑप्शन के भी नहीं मिलता होंगे आंसर, ठीक है अपनी ऑप्शन नहीं जो अपने टाइप किया उत्थे मिसटेक रह गई होंगी है, तो तुसी ने इसका ज़्यादा बवाल नहीं करना जेकर ऑप्शन के भी नहीं अपना आंसर आता होंगे। कई बार ये होंगे कि अपनी सॉल्वेशन सही होंगी हैगी, तो ऑप्शन अपन लिखने कई बार इतने जो अपने ऑप्शन लिखिया ने टाइपिंग दे विच मिस्टेक रह सकती हैगी। ठीक है, तो तुसी ने कमेंट बाक्स के जेडे अपने दो सवाल गुणा तो लिया के छड़े ने उन्होंने अपने गुणा करके तुसी ने कमेंट बाक्स के आंसर दसने ने उन्होंने। ठीक है जी, तो जेकर कई बार ऑप्शन के ना मिलिया तो भी कोई एड्डी गलबात नहीं हैगी, कई बार ऑप्शन के भी फर्क रह जाता होंगे। वैसे इन्ने सवाल अपने कर लिया अज तक कोई दिक्कत तो नहीं आई कि ऑप्शन के फर्क हो, उस तो बाद गुणा 7 की घात 2 7 × 7 49 होंगे गा। ठीक है, इस तरह जेकर तुहानू देखो स्केरां याद होणगियां तां आपां इसनू कर सकते होंगे गे, बहुत ईजी अपने वास्ते सवाल बन जाएंगे। उस तो बाद ज़्यादा समा ना खराब करिए, 7 की घात 1 लिखा हुआ 7 लिख लाँगे गुणा 4 की घात 3 लिखा हुआ। ठीक है, इसनू कहिंदे ने 64 गुणा 10 की घात 2 का मतलब होंगे गा 100। ठीक है, जिहड़ी आपां नूं आ वाली सारी स्टेटमेंट दित्ती हुई सी उसनू सॉल्व करके आपां ने एक बार इत्थे आ लिख लिया। ठीक है, उस तो बाद आपां ने की करना है गा इन्हां नूं कट्टणा है गा, कट्टण दे वास्ते देखो कटदे होंने आ, कट के इत्थे आ जाएगा 8, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 64 होंगे गा। ठीक है, 7 × 1 = 7, ठीक है 7 × 7 = 49 होंगे गा। ठीक है, इत्थे अपना इत्थे तक स्टेटमेंट इन्नी सॉल्व हो चुकी हैगी। उस तो बाद देखो इसनों होर कट सकते हैं आप, इसका कट्टण दे लई अपने कोल 108 आ चुका है गा। ठीक है, इत्थे अपने कोल 4 आ गया। उस तो बाद देखो जे तां इह कट रहेगा आपां होर इसनों कट सकते हैं, 108
की जो आप गुणा की 108 की 7 नाल चलो गुणा कर लो, होर जेकर नहीं कट्टना वैसे कट भी सकते हैं, देखो 4 दे नाल आह ठीक है कट भी सकते हैं 4 दे नाल अठ का अद्ध किया 4 ते उस तो बाद आपने देखो होर किस दे नाल इसनू कट्टना हैगा, इसनू कर लो 54 इत्थे अपने कोल बच जाएगा 2 इत्थे आ जाएगा अपने कोल 54 ठीक है इत्थे कट के कर लो 1 ते 54 का अद्ध कर लो 54 का अद्ध होएगा अपने कोल 5 तो बाद 4 का अद्ध होंगेगा अपने कोल 2 इत्थे 7 27 की कर लो 7 नाल गुणा 27 की 7 नाल गुणा कर लो 49 सत्तों सत्त 49 होंगे हासिल गए 4 ठीक है 7 दुनी 14 14 के 4 14 के 4 होंगे ने 18 बटा 100 ठीक है पॉइंट तो बाद दो अक्षर ने इत्थे अपना पॉइंट आ जाएगा 189 अपना आंसर आया सीगा। उस तो बाद जिहड़ियां आपां नूं 1 दे नाल 2 जीरो आपां नूं नज़र आ रही ने उस तो बाद इत्थे 1.89 इसका आंसर होएगा। देखो ऑप्शन दे विच आंसर नहीं हैगा, जां तां अपनी गुणा दे विच इत्थे प्रॉब्लम रहेगी कोई ते जां फिर अपना इत्थे ऑप्शन दे विच लिखण दे विच कोई दिक्कत आ गई होवेगी ठीक है। तो जेकर तुसीं इसनूं सॉल्व सही कर लिया, देखो एक बार आपां इसनूं दोबारा रीचैक करके देख लैने गे, देखो कट तां आपां ने इत्थों तक सही दित्ता सीगा ठीक है 54 का अद्ध अपने कोल आ गया सीगा 4 इत्थे बन गया सीगा 4 4 का अद्ध किया 2 ते इत्थे बन गया सीगा अपना 14 14 का अद्ध 7 27 गुणा 7 देखो 27 गुणा 7 आपां इत्थे करके देख लैने गे असल अपने 4 चले गए तो 7 दूनी 14 14 ते 4 ये अपना इतों निकल के आ चुका है। देखो उपरले नूं सोल्व करके उपरले नूं सोल्व करके ये आ गया सीगा ठीक है। उस तो बाद देखो सारे नूं इरेज कर दो, नीचे अपना 100 बचा हुआ सीगा 189 सीगा उपर नीचे सीगा अपने कोल 100 ठीक है। तां करके देखो जिहड़े इस दे विच देखो 2 जीरो आपां नूं नज़र आ रही ने एंड दे विच इत्थे जिहड़ियां 2 जीरो ने इहदा मतलब 1.89 इसका आंसर होएगा राइट आंसर। अपना इत्थों मिसटेक रही हुई है कोई इस दे विच तां ए ऑप्शन दे विच मान लो तुसीं 1.89 इत्थे दित्ता होया सीगा ठीक है। तो यह अपना इसका राइट आंसर होएगा। उस तो बाद समाप्ति हो चुकी अपनी क्लास की। सो अज की क्लास तुहानू किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्यो ते अपने दोस्तों के नाल वीडियो नू तुसीं ने जरूर शेयर करने का ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज़ की अपनी डेली क्लास होया करेगी, अलग क्लास है यह एक्सट्रा क्लास हैगी ठीक है। तो मैथ की जी अपनी सवेरे 10 बजे क्लास होंगी है वह इस तरह होंगी रहेगी, तो रात में जी 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास होंगी है वह भी इस तरह होंगी रहेगी, उन्होंने कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो अपनी डेली क्लासा होया कर। रीजनिंग ते मैथ दी तुहाडी एक्सट्रा जिहड़ी कि अपने आ प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है ये अपनी इस तरह क्लास तुहाडी होया करेगी, अलग क्लास हैगी ठीक है। टाइम अजे इसका कोई फिक्स नहीं हैगा, 1-2 दिन तक जो आप रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करांगे दोनों क्लासों का, इन्हों का प्रैक्टिस सीरीज़ वाली का आप टाइम फिक्स कर देंगे। सो जेकर तुसीं ने अजे तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब कर लेने का, तो अपने दोस्तों के नाल वीडियो जरूर शेयर करने का। तो जेकर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पिछलियां वीडियोज़ में सारिया जाके तुसीं ने देख लेने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उत्थे जाके तुसी सारिया क्लासा देख सकते हो। वीडियो में जरूर लाइक कर दो, जाते हुए क्लास में शेयर करके जरूर जाने का ठीक है। हुण तक वीडियो के नाल जुड़ने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।